कश्मीरा पाठ की पढ़ाई करते हैं। पहले हम पाठ का परिचय देखते हैं। इस चित्र पाठ में कश्मीर की एक लड़की, उसके दो अलग अलग चित्र दिए गए हैं। दोनों चित्रों में 10 अंतर है। अंतर यानी भेद, फर्क। इन अंतरों को ढूंढकर हमें लिखना है। पहले हम कौन से अंतर है यह देखते हैं। चित्र में दिखाई गई कश्मीर की कन्या के बारे में हमें बताना है। चित्र में दिखाई गई कन्या बहुत ही सुंदर है। वह अपनी परंपरागत कलात्मक वेशभूषा में झील में नाव चला रही है। वह डिजाइनदार कपड़े पहने हुए हैं। उसके हाथों में नाव चलाने का चप्पू है। नाव पर पानी का डिजाइनदार मटका रखा है। इससे लगता है कि कश्मीर की कन्याएं बहुत ही कला प्रेमी होती हैं। अब हमें इन दोनों चित्रों में कौन सा अंतर है यह देखना है। चित्र नंबर एक और चित्र नंबर दो। पहले चित्र में अब हम देखते हैं, कमीज के नीचे से दूसरी पट्टी गुलाबी है। यहाँ पर यह दूसरी पट्टी गुलाबी दिखाई देती है और दूसरे चित्र में कमीज के नीचे से दूसरी पट्टी लाल है। यहाँ पर हमें लाल पट्टी दिखाई देती है। अब हम दूसरा भेद यानी अंतर देखते हैं। लॉकेट का निचला गोलाकार भाग सादा है। पहले चित्र में यहाँ पर हमें लॉकेट का निचला भाग दिखाई देता है और वह सादा है, और लॉकेट के निचले गोलाकार भाग में पत्तियाँ हैं। यहाँ पर हमें पत्तियाँ नज़र आती हैं। तीसरा भाग देखते हैं, चप्पू का निचला भाग चौकार है। यहाँ पर चप्पू का निचला भाग हमें चौकार दिखाई देता है और दूसरे चित्र में चप्पू के निचला भाग पान के आकार का है, बादाम के आकार का है। अगला चौथा भेद देखते हैं, घड़े के पेंदे में टपके नहीं हैं। यहाँ पर यह जो पेंदा है यहाँ पर टपके नहीं हैं और यहाँ पर टपके हैं। पांचवा भेद देखते हैं, घड़े और टोकरी के बीच लाल फूल है। यहाँ पर इन दोनों के बीच यह लाल फूल दिखाई देते हैं और यहाँ पर लाल फूल नहीं है। अब हम छठा भेद देखते हैं, पार्श्वभूमि में 5 पक्षी हैं। यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 पक्षी हैं और दूसरे चित्र में 4 पक्षी नज़र आते हैं। यहाँ दोनों साइड पे 2-2 पक्षी हैं। सातवां भेद देखते हैं, पर्वत की तीनों चोटियों पर बर्फ जमी है। यहाँ पर बर्फ दिखाई देती है, पहली चोटी, दूसरी चोटी और तीसरी चोटी, और दूसरे चित्र में सिर्फ 2 ही चोटी पर बर्फ है, तीसरी चोटी पर बर्फ नज़र नहीं आता। आठवां भेद देखते हैं, चप्पू पकड़े हुए बाएं हाथ की कमीज की बाह कलाई तक है। उसकी यहाँ पर कलाई तक बाह है और यहाँ पर कलाई तक बाह नहीं है। चप्पू पकड़े हुए बाएं हाथ की कमीज की बाह कलाई से बहुत ही नीचे हैं। इस चित्र में ज़्यादा पेड़ हैं और इस चित्र में कम पेड़ नज़र आते हैं। यहाँ पर कम पेड़ नज़र आते हैं और यहाँ पर ज़्यादा पेड़ नज़र आते हैं। पहले चित्र में दुपट्टा नहीं है और दूसरे चित्र में दुपट्टा है। यहाँ पर दुपट्टा नीचे आया हुआ दिखाई देता है और यहाँ पर दुपट्टा नहीं है। अगला भेद देखते हैं, इस चित्र में हाथ में कंगन दिखाई देता है और इस चित्र में हाथ में कुछ भी नहीं पहना है। इस तरह के हमने 11 भेद इन दोनों चित्रों में देखे हैं।